हाय फ्रेंड्स, मैं नरेश कुमार आज आपको होम मेड स्टीमर बनाकर दिखाऊंगा और ये बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। ये कोई भी अपने घर में बना सकता है और इसको इस्तेमाल कर सकता है। इसके बनाने के लिए हमें सिर्फ दो तीन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, वो आपके घर में पहले ही पड़ी होंगी या आसानी से ढूंढने से भी मिल सकती हैं। एक तो उसके लिए चाहिए हमें ये ऐसा कोई भी डिब्बा, खाली डिब्बा चाहिए, प्लास्टिक का, पीवीसी का, लेकिन मजबूत होना चाहिए। हार्ड है ये, देखो ना, बिल्कुल सही मजबूत ऐसा डिब्बा चाहिए। और हीटर की दो पत्तियां रहती हैं जो हीटर में यूज़ होती हैं, तो उसके ये दो पत्तियां आप लेके रख लीजिए स्टिप, तो ये। और साथ में ये दो नट वोल्ट चाहिए हमें, दो नट वोल्ट विद वाशल्स हमें चाहिए। और तार अपनी सुविधा के अनुसार आप लगा सकते हैं, चाहे आप लीड लगा लीजिए या कोई आपके घर में ऐसे कोई तार पड़ी है वो भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन तार थोड़ी अच्छी होनी चाहिए, स्पीरियर तार हो तो ज़्यादा अच्छा रहता है। तो इसको चलो हम बनाते हैं फिर, देखो। तो चलो हम स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले फ्रेंड्स, मेरी वीडियो को अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलो स्टार्ट करते हैं। इस बक्से को, इस डिब्बे को हमने क्या करना है, दो सुराख ऐसे होल कर लेने हैं, मैंने कर लिए हैं पहले ही। इसको दो छोटे छोटे होल करने हैं और इसका डिस्टेंस कम से कम भी 5 इंच होना चाहिए, 4-5 इंच के करीब करीब, जैसे कि हम ये पत्ती लगाएं तो इसके साथ टच ना करें। तो चलो हम देखते हैं, अब इसको बना के मैं आपको बताता हूँ। ये वायर को मैंने ऐसे टर्न कर लिया है, टायर को इसको करके एक लेनी है हमको वाशल, नट के इधर रखेंगे ऐसे और इसके ऊपर ये ऐसे लगाएंगे, ऐसे लगा के इसको इस होल में हमें इसको डाल देना है। तो उसके बाद ये जो पत्ती है इसको हमें लेना है और एक वाशल चाहिए हमें इसको लगाने के लिए। पहले हमें एक वाशल रखनी है, तो इसी नट के ऊपर वाशल लगा के फिर हमको ये पत्ती इधर इसको टच कर देनी है। ये पत्ती हमारी इसके अंदर लग गई। ये बिल्कुल ही बनाना आसान है, आप कोई भी इसको घर में बड़ी आसानी से 5-7 मिनट में बना सकता है, तो ज़्यादा टाइम भी नहीं लगेगा और खर्चा तो बिल्कुल ही ना के बराबर है। अब इसको अच्छी तरह कस लेना है आपको, ताकि इसमें से पानी लीकेज ना रह जाए। ये होगी हमारी एक स्टिप टाइट। अब हमको दूसरी करनी है, इसको लेना है तार को, इसको इसमें डाल के तो बाहर से इसको ऐसे फिर इसको लगा लेना। अब दूसरी पत्ती जो है ये भी इसके अंदर ऐसे लगानी है, ये पत्ती लग गई इसको। अब इसके ऊपर बाश लेके रखेंगे और इसको अच्छी तरह नट्स को लगा के कस देंगे।
ध्यान हमको ये रखना है कि ये जो हमने पत्ती लगाई है ये इससे थोड़ी दूर रहनी चाहिए ताकि ये आपस में टच ना करे, क्योंकि अगर टच करेगी तो ये ब्लास्ट हो सकता है और ये खराब हो सकता है, सारा जल सकता है। इसलिए अब हमको टाइट कर देंगे। ये देखिए इसमें हमने अंदर से देखिए, इसके अंदर हमने जो पत्तियां लगाई हैं उसमें थोड़ा सा गैप रख दिया है ताकि जब हम वायर को करंट दें तो ये आपस में टच ना हो। और होता क्या है कि जब गर्म होती है पत्ती तो फिर थोड़ी सी अप डाउन होती है, इसलिए उसमें इतना डिस्टेंस होना चाहिए कि वो उसके साथ टच ना हो पाए। अब ये बिल्कुल बन के तैयार हो गया है, अब हमको इसको बस टेस्ट करना है और यूज करना है। लीड आप अपनी सुविधा अनुसार लगा सकते हैं, मैंने तो ऐसे ही तार लगाई है, आप लीड भी लगा सकते हैं और तार की भी अपनी लीड भी बना सकते हैं। आगे टू पिन टॉप लगा के इसको फर्स्ट क्लास से स्टीमर आपका तैयार है और देखो बिल्कुल ही खर्चा भी कोई नहीं हुआ और हमारा स्टीमर तैयार हो गया। अब हम इसको आपको चेक करके बताएंगे कि ये आगे काम करता है या नहीं, इसमें पानी गर्म होगा या नहीं। तो चलो चलते हैं, तो चलिए इसकी टेस्टिंग शुरू करते हैं। अभी हम इसका स्विच ऑन करते हैं, ये स्विच हमने इसका ऑन कर दिया। अब देखते हैं इसका पानी इसमें स्टीमर में गर्म होता है और कम से कम कितना टाइम लगाएगा, ये भी हमें पता चल जाएगा। इसमें हमें पानी की मात्रा इतनी रखनी है जिससे इसमें लगाई हुई पत्तियां डूब जाएं और पानी जल्दी गर्म हो। ये देखिए इसका थोड़ा थोड़ा धुआं निकलने लगा, डिब्बे के अंदर देखो भाप भी दिख रही है, थोड़ी भाप भी बनने लगी है और ये पानी बिल्कुल सही गर्म कर रहा है, ये बर्क बिल्कुल सही काम करेगा अपना। ये देखिए ये हमारा देसी स्टीमर, होममेड स्टीमर है ये। और खर्चा बिल्कुल ना के बराबर, ये आपने देखा ही होगा। और ये हर घर में काम आने वाली चीज है, ये देखिए अब ये पूरी तरह से गर्म हो चुका है और अपना काम बिल्कुल सही तरीके से कर रहा है। इसे हर कोई अपने घर में बिल्कुल फ्री में बना सकता है। अच्छा तो दोस्तों मेरी अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करना, थैंक यू। और ये बिजली का जो काम होता है बहुत ही खतरनाक होता है, इसलिए इसके हर कोई जो भी काम इसको करेगा, जो भी बनाना की ट्राई करता है अगर घर, तो प्लीज़ इसको जान ले, बिजली बहुत खतरनाक होती है, जानकर बंदा ही इसको बनाए, नहीं तो हर कोई इसको हाथ नहीं डाले, ये बहुत खतरनाक होता है, इससे बचना चाहिए, इससे आदमी की जान भी जा सकती है, इसलिए इसे बड़े ध्यान पूर्वक बनाना है। अच्छा तो भाई थैंक यू, अब हम इसे बंद करते हैं। ये देखिए